हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है करवा चौथ और मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। तो अभी तो मैं नहा के रेडी तो नहीं हुई हूँ, मैं नहा ली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे एक भाई साहब हैं जिन्होंने मुझे पहला करवा चौथ पे जो सामान आता है मायके से वो कुरियर किया हुआ है, तो वो मुझे पूरा का पूरा सामान रिसीव हो गया है। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको करवा चौथ वाले दिन वो सामान दिखाऊंगी कि वो कैसा दिखता है और वो क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिट्टी का करवा होता है जो कि मैंडेटरी होता है फर्स्ट वाले में। ये उसका ढक्कन, ढक्कन यानी कि ऐसे करके आप इसको ढक देते हो। ये चूरा गट्टा, ये चलनी होती है, ये व्रत की बुक और ये कैलेंडर, और ये जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, भाई देते हैं या मायके से मिलता है, तो ये मुझे मिला है अभी, जस्ट रिसीव हुआ है। तो थैंक यू सो मच। और इस पे सुहागन लिखा हुआ है, हाँ, और डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये हमेशा के लिए होता है और फर्स्ट टाइम आपको घर से ही मिलता है, तो थैंक यू सो मच भैया। और ये रही साड़ी, देखते हैं। तो ये रही साड़ी और इसका पेटीकोट, ब्लाउज ऑब्वियस बात है अभी रिसीव हुआ है तो सिला तो नहीं है, बट हाँ बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत ही सिंपल और सोवर। तो अभी मैं इसी को वेयर करने वाली हूँ। और बाकी ये आई थिंक सेट लगा हुआ था, बट ये आने में, कुरियर आने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। कोई नहीं, पूरा ये सामान बाकी का आलता। तो गाइज अभी तो मैं यही साड़ी वेयर करने जा रही हूँ और बाकी यही बैंगल्स वगैरह भी वेयर करने वाली हूँ, सेम जो कि मुझे भैया से रिसीव हुआ है। और बाकी शाम को मैं वही लहंगा पहनूंगी जो मैंने अपने शादी के टाइम पे पहना था, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो आपका फर्स्ट करवा चौथ होता है उसमें आपको वही लहंगा पहना जाता है जो आपने शादी के टाइम में पहना होता है। तो शाम का लुक कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ न्यू न्यू साड़ी को पहन के। गाइस तो ये रहा पूरा लुक, और बैंगल्स बहुत थोड़े मैंने डाले हैं क्योंकि मुझे शाम को चेंज करने हैं वापस से। और ये सिंपल सा एंड हाँ गाइज वन मोर थिंग, ये जो मेरा आप ब्लाउज देख रहे हो ये मैंने अलग से गोल्डन कलर का मटेरियल लेकर स्टिच करवाया है। तो आपको भी अगर नीड हो तो आप भी गोल्डन ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल ब्लाउज होता है और मोस्ट ऑफ द साड़ी या कपड़ों के साथ में वेयर किया जा सकता है। जैसे कि मुझे नई साड़ी मिली है, इसका मैं अभी ब्लाउज बनवा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने ये गोल्डन ब्लाउज इसमें मैच किया है। बट स्टिल आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से मैच हो रहा है। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि किन किन लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़, ये मिसमैच कर रखा है, कि उन्होंने गोल्डन ब्लाउज बनवा रखा है अपनी वर्सेटाइल यूज के लिए। 8:01 PM Few moments later, गाइज ये देखिए पूजा करते करते चांद निकल आया है, और चलिए अब आगे ही पूजा कंटिन्यू करते हैं।